आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए तथा बताइए कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो अगर सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म वस्तुओं या फिर किसी भी वस्तु की बारीकियों को देखने के लिए करते हैं। ये इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि यदि हमें कोई छोटी वस्तु को देखना है तो हम क्या करते हैं, उसे अपनी आंखों के नज़दीक लाते हैं, ठीक है, ताकि रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बड़ा बन सके। और अगर हम किसी वस्तु की बारीकियों को स्पष्ट रूप से देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे आंख के निकट बिंदु से भी नज़दीक लाते हैं, मतलब 25 सेंटीमीटर से भी नज़दीक ले आते हैं। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। और अगर इससे नज़दीक अगर हम लाएंगे, ठीक है, वस्तु को, तो वो हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, आवर्धक लेंस या जिसे हम सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, जो हम लेंस उपयोग करते हैं कुछ इस प्रकार से होता है, आवर्धक लेंस होता है। ठीक है, तो ये जो लेंस लगा होता है ये क्या होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम अपने आँख के निकट रखते हैं तो उसका जो जो वस्तु होता है उसे का प्रतिबिंब कहाँ पर बना देता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे, और वह आवर्धित बनता है। ठीक है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म वस्तुओं की बारीकियों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बनता है, ये एक उत्तल लेंस है। ठीक है, हमने एक एच ऊंचाई की छोटी वस्तु रखी है तो लेंस से अपवर्तन के फलस्वरूप, ठीक है, जब हम यहाँ से देख रहे होते हैं तो इसका आभासी प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारा प्रतिबिंब है ये क्या है, हमारा आभासी प्रतिबिंब। मान लेते हैं ये वस्तु क्या है, ए बी है। ठीक है, तो इसका ये ए डबल डैश बी डबल डैश हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और ये क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, आभासी, सीधा और आवर्धित प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सरल सूक्ष्मदर्शी से ये प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पे। और वस्तु को हम लोग लेंस के फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तभी इसका आवर्धित प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब बोला जा रहा है कि आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखने के लिए हमें बोला जा रहा है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए जो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है, आवर्धन क्षमता की बात करेंगे तो सबसे पहले दो स्थिति होती है। ठीक है, एक हमारा क्या होता है, सामान्य समायोजन की स्थिति। ठीक है, सामान्य समायोजन की स्थिति मतलब जब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत पे। इस अवस्था में जो हमारा नेत्र होता है वो श्रांत अवस्था में होता है, मतलब इसमें कोई भी तनाव नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है वो होता है डी बटा एफ के बराबर। ठीक है, जहाँ पे डी क्या है, ये है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, और एफ क्या है, ये जो लेंस है उत्तल लेंस उसकी फोकस दूरी है। ठीक है, और दूसरी स्थिति क्या होती है, जब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। ठीक है, प्रतिबिंब जब कहाँ बन रहा हो, 25 सेंटीमीटर पे, तो इसके लिए m बराबर क्या होता है, एक जोर डी बटा एफ के बराबर। ठीक है, कितना होता है, एक जोर डी बटा एफ के बराबर, जब हमारा क्या हो, ये जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये तो सूत्र हो गया दोनों स्थिति में। अब बोला जा रहा है कि आवर्धन क्षमता हम किस प्रकार बढ़ाएंगे। ठीक है, तो दोनों में अगर हम देखें तो D तो हमारा क्या रह रहा है, नियत रह रहा है 25 सेंटीमीटर, और एक भी क्या है, हमारा नंबर है, तो ये भी नियत रह रहा है। तो दोनों स्थिति से हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि M जो है वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, किसके, लेंस के फोकस दूरी के। ठीक है, तो अगर व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है फोकस दूरी और आवर्धन क्षमता में, तो इसके लिए हम लोग फोकस दूरी को कम करेंगे तभी जाके हमारी जो आवर्धन क्षमता है सरल सूक्ष्मदर्शी की वो अधिक होगी। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए, आवर्धन क्षमता अधिक करने के लिए हमें लेंस की फोकस दूरी को क्या करना होगा, कम करना होगा। ठीक है, तब जाके आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी की बढ़ेगी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।